नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्यागी। आप देख रहे हैं जालौन लाइव टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जालौन के विकास खंड कठौन परिसर में, जहां पर देख सकते हैं ग्रामीणों की क्या समस्याएं, किस समस्याओं को लेकर यहां पर ग्रामीण इकट्ठी हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे और इनसे पूछेंगे इनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं और ये किस लिए यहां पर इकट्ठी। प्रदेश सरकार द्वारा गौशालाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार बहुत ही ठोस कदम उठा रही है, लेकिन जनपद जालौन के विकासखंड कोठौंद के कई ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण परेशान हैं और परेशान होकर के ब्लॉक परिसर में इकट्ठे हुए हैं। इनसे पूछेंगे इनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं और ये अपनी क्या मांगे रख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? शशिकांत द्विवेदी जी। आप किस गाँव से आए हैं? हम रणधीरपुर के निवासी हैं। क्या समस्या क्या है आपकी? अन्ना जानवरों की समस्या है। हमारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, चर के हम लोग आत्महत्या की कगार पर पहुँच गए हैं। इसी तरीके से अगर और अनदेखी रही सरकार की, शासन प्रशासन की, तो स्वाभाविक है हम लोग आत्महत्या ही करेंगे और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। प्रशासन ने प्रधानों को आदेश दिए हैं, उसके बावजूद आप कहीं कोई सुनवाई नहीं। कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, प्रधान से कह चुके हैं, ब्लॉक में आ चुके हैं, हमारी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं। तो आज ब्लॉक परिसर में आप कैसे अपना शिकायत पत्र दे रहे हैं? वीडियो साहब को देंगे। इनका कहना है कि इनकी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस समय ये ब्लॉक परिसर में इकट्ठे हुए हैं और खंड विकास अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, आपको दिखाएंगे और भी खबरें। नमस्कार।